समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक व उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर के आवास पर जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल लिया माना जा रहा है कि सुखदेव राजभर के पुत्र जल्द ही समाजवादी पार्टी में विधिवत शामिल हो गए अखिलेश यादव की इस मुहिम को यूपी में पिछड़ो खासकर राजभर समुदाय में पैठ गहरी करने की कोशिश से जोड़ देखा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी में पिछड़े वर्ग के कई नेता एक एक करके कम होते जा रहे हैं इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य लालजी वर्मा रामचंद्र राजभर जैसे नेता प्रमुख है सुखदेव राजभर ने हाल ही में अखिलेश यादव को पत्र लिखकर राजनीति से संन्यास लेने व अपने पुत्र कमलकांत राजभर को समाजवादी पार्टी में लाने का अनुरोध किया था अखिलेश यादव गोमती नगर स्थित सुखदेव राजभर के घर गए और उनसे मान्य परिजनों से मुलाकात की सुखदेव राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वंचित समाज अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जे जान से जुट गया है आजमगढ़ की दीदारगंज से विधायक सुखदेव राजभर ने पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी, पार्टी के प्रमुख व मायावती व समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के नाम लिखे पत्र में कहा था की वह सक्रिय राजनीति ऐसी अलग हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में बहुजन मूवमेंट और सामाजिक न्याय कमजोर पड़ रहा है बहुजन समाज के मिशनरी और जिम्मेदार लोगों को स्वार्थी तत्वों के दबाव में बाहर निकाला जा रहा है या फिर दरकिनार किया जा रहा है इन स्वार्थी तत्वों द्वारा बहुजन मूवमेंट को दिशाहीन किया जा रहा है सुखदेव राजभर पांच बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं